आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं अमित ब्लॉग। मेरे पास टाटा नेक्सॉन गाड़ी है, तो मेरा ट्रिप था, तो ट्रिप में मैंने सोचा कि चलो टाटा नेक्सॉन के एवरेज का मैं एक वीडियो बनाता हूँ। जब मैंने अपनी गाड़ी का एवरेज देखा तो पेट्रोल वर्जन ये गाड़ी है, 1.5 साल करीब इसको हुआ है मेरे को ख़रीदे हुए। अभी ये गाड़ी आप देख सकते हो 24-25 का एवरेज आराम से दे रही है। और टाटा नेक्सॉन को अगर आपको चलाना है 70 के अंदर अंदर में गाड़ी चलाओ, ज़्यादा हाई स्पीड एक्सीलेटर मत दो। अगर 70-75-70 के समथिंग आप स्पीड रखते हो तो आप बड़ी आसानी से 24 से 20 से लेकर 24 तक का एवरेज उसमें आप ले सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे फेक वीडियो है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को लाइव बनाया हुआ है। ये देखो, आप देख रहे हो रोड पर मैं चल रहा हूँ, रोड पर चलते जा रहा हूँ और चलने के साथ साथ ही मैंने आपको देखो अपना मीटर दिखाया हुआ है गाड़ी का, जिसमें कि आपको पता लग सकता है अभी 24 पॉइंट कुछ का एवरेज दे रहा है, हिल रहा है थोड़ा सा गाड़ी चलने में, 24.9 या 8 का एवरेज दे रहा है। ये तकरीबन बढ़ते 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 काफ़ी 26-27 तक भी चला जाता है। पहली बार इस ट्रिप में मेरा ये 25-27 तक मेरा एवरेज हुआ है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे 7 किलोमीटर गाड़ी चली, 7 किलोमीटर गाड़ी में क्या पता लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें भी आपको बताऊंगा 30-35 किलोमीटर गाड़ी चलने के बावजूद भी 25-26 का एवरेज गाड़ी ने शो किया हुआ है। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मेरी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देती है, इसलिए देखो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिया है। कोई भी किसी को भी डाउट ना रहे, कोई भी ये ना बोल सके कि भाई ठीक नहीं चल रहा है। अभी देखो 8 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और मेरी गाड़ी का 25.5 का एवरेज शो कर रहा है। अभी आप इस चीज़ को देख मान सकते हो 25 का एवरेज दे रही है गाड़ी। और मैं भी आपसे यही बताऊंगा 55 से ऊपर चलाओ और 80 से कम चलाओ। ऐसा नहीं है मैंने सारा ट्रिप 55 में किया है, मैं 80 भी करता हूँ, 90 भी करता हूँ, भगाता भी हूँ गाड़ी, ऐसी बात नहीं। लेकिन तकरीबन जब आपका एवरेज जाके एक स्तर हो जाता है, एक जगह आके रुक जाता है, जैसे सपोज करो गाड़ी चला रहे 25-26 पे आपका एवरेज चल रहा है, उसके बाद आप 75 से 80-85 भी चले जाओगे ना, तो आपका 1-2 पॉइंट डाउन होगा, पॉइंट वाला जो होगा वो 1-2 पॉइंट डाउन होगा, बाकी आपका जो एवरेज है वो स्तर हो जाएगा, वो आपका एवरेज कम नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू चलाए जा रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो मैनेज कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में आप चलाते रहोगे गाड़ी को तो 25-26 किलोमीटर जैसी गाड़ी आपकी रन करेगी तो आपको 22-23 तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 22-23 का एवरेज तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम एवरेज 25 तक देती है टाटा नेक्सॉन। मेरी ये गाड़ी टाटा नेक्सॉन 25 तक एवरेज मैंने 1 लीटर में निकाला है इसको नापने के बाद। मैं मानता हूँ मैं मीटर में 1-2 किलोमीटर ज़्यादा दिखाता है, 25 में 2 कम करता हूँ, 23-22 का एवरेज तो 101% में लिख के दे सकता हूँ, इतना एवरेज उसमें से निकलता है। अभी आप देखो 52-53 की स्पीड में चल रहा है, मैं अकेला था इसलिए मैंने गाड़ी को ज़्यादा भगाया नहीं, गाड़ी को ज़्यादा भगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा लोड दोगे एक्सीलेटर का तो कोई भी गाड़ी होगी तो एवरेज नहीं देगी। लेकिन मैंने 65 का हो गया, 65-66 का चल रहा है, 60 अभी 70-75 तक मैंने गाड़ी को चलाता हूँ, 80 से ऊपर नहीं जाता हूँ। 60 चलाऊँ 75 चलाऊँ कितना चलाऊँ लेकिन मैं 80 से ऊपर नहीं जाता हूँ, 80 से नीचे रहता हूँ और मेरी गाड़ी बड़ी एवरेज निकाल देती है। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं कोई हिल एरिए में नहीं जा रहा हूँ, मैं प्लेन एरिए में हूँ। ये यहाँ से ग्वालियर टू मथुरा ट्रिप है तो वहाँ से आपको पता ही है पूरा प्लेन एरिया है, इस एरिए में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। टोल टैक्स के अलावा आपको कहीं रुकना नहीं है, 6-way और 4-way हाईवे से, हाईवे की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, एक बार आप एक्सीलेटर दबा दो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, जो कुछ करना है गाड़ी नहीं करना है, बढ़िया रोड है। तो ऐसे अगर सिटी में आप जाओगे बीच बीच में, हाँ बीच बीच में सिटियाँ भी मिलती हैं, कुछ छोटी छोटी सिटियाँ मिलती हैं, कस्बे मिलते हैं, वहाँ स्लो भी करनी पड़ती है, कम भी चलानी पड़ती है, तो काम चल जाता है। कुल मिला के ओवरऑल क्या है, आराम से काम चल जाता है और आप आराम से मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको 22 के एवरेज आप टाटा नेक्सॉन से ले सकते हो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।